आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम दीपक धरा योर इंग्लिश ट्रेनर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो टुडेज वीडियो इज वेरी स्पेशल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास वैसे तो ये 10th और 11th जो क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है बट जैसे कि कल एग्ज़ाम है आपका और इसी के लिए मैंने आपके लिए स्पीच की वीडियो डाली क्योंकि स्पीच 10 मार्क्स कंटेन करती है तो देखिए इस वीडियो को और 10 में से 10 नंबर आप डेफिनेटली लेकर आओगे ये मेरा आपसे वादा है तो स्पीच राइटिंग देखो स्पीच होती क्या है स्पीच का मतलब होता है किसी टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है यानी कोई भी आपको टॉपिक मिल जाएगा जैसे कि पोल्यूशन है मोबाइल फोन्स है टेररिज्म है कोई भी एक टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर आपको व्यूज़ रखने हैं राइट उसी को हम क्या कहते हैं स्पीच कहते हैं ध्यान रखना स्पीच आपको पास्ट में नहीं बनानी जो पास्ट में बनानी होती है वो रिपोर्ट होती है कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं मैंने देखा काफ़ी बार कि सोचते हैं जो पास्ट में बनाई जाती है उसको स्पीच कहते हैं नहीं वो रिपोर्ट होती है ठीक है स्पीच मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलना जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आपने देखा होगा 15 अगस्त होता है 26 जनवरी होती है तो हमारे स्कूल में जो टीचर्स होते हैं बच्चे होते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं कि इंडिपेंडेंस डे होता क्या है वही क्या होती है हमारी स्पीच होती है तो स्पीच बोलने के लिए एक थोड़ा पैटर्न होता है हमारा और जो आर्टिकल भी आता है काफ़ी एग्जाम्स में 10 मार्क्स कंटेन करता है वो भी आर्टिकल और स्पीच में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता लगभग दोनों सेम ही चीज़ होती हैं स्पीच में आपको क्या करना होता है थोड़ा सा बोलना भी होता है कि मैं इस क्लास से बिलोंग करता हूँ आई एम फ्रॉम दिस क्लास एंड माय नेम इज़ दिस आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन दिस टॉपिक ऐसे करके आपको कुछ लाइंस बोलनी होती हैं आर्टिकल में सिर्फ आपको क्या लिखना है टॉपिक डाल देना है ये या फिर ये लिख देना कि आर्टिकल और उसके बाद अपने टॉपिक के बारे में आप स्टार्ट कर सकते हो लेकिन स्पीच में आपको कुछ लाइंस बोलनी है मैं आपको बता रहा हूँ क्या लाइंस बोलनी है देखो स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा रेवरेंड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सबसे ऊपर एक लाइन लिखेंगे रेवरेंट प्रिंसिपल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स यानी रेवरेंट का मतलब क्या होता है आदरणीय सम्माननीय ठीक है तो आदरणीय प्रिंसिपल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स सभी को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है एक लाइन छोड़नी है देन आपको गुड मॉर्निंग विश करना है अगर शाम का प्रोग्राम तो गुड इवनिंग कह सकते हो तो गुड मॉर्निंग टू ऑल उसके बाद फिर से आपने एक लाइन छोड़ी उसके बाद आप स्टार्टिंग करोगे आई एम दीपक धर्रा ऑफ क्लास 12th ए आप जिस भी क्लास के छात्र हो आप लिख दोगे जैसे कि आई एम दीपक धर्रा ऑफ क्लास 12th ए लिखा है अगर 10th के तो आप बोलोगे ऑफ क्लास 10th ए राइट इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी यह एक सम्मान की बात है मेरे लिए मैटर मतलब मामला है एक बात है सम्मान की है ग्रेट प्रिविलेज एक सम्मान का मौका है मेरे लिए फॉर मी टू डिलीवर अ स्पीच ऑन टॉपिक टू डिलीवर अ स्पीच की मुझे एक स्पीच देने का मौका मिला है इन फ्रंट ऑफ यू इस टॉपिक के ऊपर ऑन टॉपिक जो टॉपिक है टॉपिक के बाद आप क्या करोगे अपना टॉपिक डाल दोगे तो हमने आज जो टॉपिक लिया है दैट इज पोल्यूशन पोल्यूशन के ऊपर हमें अपने विचार रखने हैं ठीक है तो स्टार्टिंग में लाइन क्या हुआ आई एम दीपक धर्रा ऑफ क्लास 12th ए इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी एक सम्मान की बात है मेरे लिए टू डिलीवर अ स्पीच कि मुझे एक स्पीच देने का मौका मिला है ऑन टॉपिक यहाँ पर आप क्या करोगे टॉपिक डाल दोगे पोल्यूशन अगर अच्छी चीज़ है तो आपको लिखना है पोल्यूशन आ बून फॉर अस लेकिन पोल्यूशन बून थोड़ी ना है बून मतलब क्या होता है वरदान तो क्या पोल्यूशन वरदान है नहीं हमारे लिए अभिशाप है तो लिखेंगे हम पोल्यूशन आ बेन फॉर अस बेन मतलब क्या होता है अभिशाप तो ऐसे करके हमें फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है कोई भी टॉपिक हो स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है और आपको क्या करना है सिर्फ वहां पर टॉपिक चेंज कर देना है अगर पोल्यूशन की जगह कुछ और होता जैसे कि आपका टॉपिक होता इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी तो यहाँ पर पोल्यूशन को हटाकर आप क्या करते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे लिख देते हैं क्लियर है इसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है पोल्यूशन इज एन एक्ट ऑफ मिक्सिंग सम अनवांटेड एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं जो पोल्यूशन है उसका मीनिंग क्या होता है जब हमारे एनवायरमेंट के अंदर कुछ मिक्स हो जाते हैं मिक्सिंग ऑफ सम अनवांटेड एलिमेंट्स जो हमें तत्व नहीं चाहिए ऐसे तत्व हमारे एनवायरमेंट में मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं पोल्यूशन कहते हैं इन द नेचुरल रिसोर्सेज यानी हमारी प्राकृतिक चीज़ों में यानी हमारी हवा है यानी वायु है जल है तो इनमें जब गलत गलत चीज़ें जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को नष्ट करते हैं ऐसे तत्व मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं पोल्यूशन कहते हैं एज यू ऑल आर वेल अवेयर जैसे कि आप सभी वेल अवेयर हो अवेयर मतलब जागरूक हो विद द हजार्ड्स हजार्ड्स का मतलब क्या होता है नुकसान विद द हजार्ड्स ऑफ पोल्यूशन कि पोल्यूशन के कितने सारे क्या होते हैं हजार्ड्स होते हैं नुकसान होते हैं हमारे लिए एंड दिस मॉन्स्टर मॉन्स्टर लाइक भी कह सकते हो यहाँ पर आप या फिर कह सकते हो मॉन्स्टर्स लेकिन दोनों मत लिखना
आप बोलोगे मॉन्स्टर लाइक मतलब क्या होता है, राक्षस के जैसा। कि ये क्या है कि राक्षस के जैसा जो ये पोल्यूशन है, यानी एक थोड़ा हमने लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए, स्पीच को थोड़ा अच्छा थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हमने मॉन्स्टर लाइक ऐसा वर्ड यूज़ किया है। तो आपको थोड़ा वर्ड्स भी हैवी रखनी है, ठीक है। जब अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हो तो उससे एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और नंबर भी अच्छे आते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ से पोल्यूशन को कंपेयर किया है किससे, एक मॉन्स्टर लाइक मतलब राक्षस के जैसा, या फिर आप कह सकते हो मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, भयानक। तो आप इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर लेना, मैंने स्लैश लगा के दोनों लिखे हुए हैं। पोल्यूशन इज स्पर्टिंग डे बाय डे, यानी जो ये राक्षस जैसा या भयानक जो पोल्यूशन है वो क्या होता जा रहा है, स्पर्टिंग, स्पर्ट का मतलब क्या होता है, अचानक से बढ़ना, अचानक से बढ़ता जा रहा है। डे बाय डे क्या, रोज, हर रोज दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। पोल्यूशन ऑलवेज पुट्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो पोल्यूशन है वो हमेशा डालता है, पुट मतलब यहाँ पे क्या है, डालना, डालता है अ नेगेटिव इफेक्ट, गलत प्रभाव डालता है ऑन एनिमल्स, जानवरों के ऊपर, एंड ह्यूमंस, यानी हमें और साथ साथ जो हमारे जानवर हैं उनको भी क्या कर रहा है, पोल्यूशन नष्ट करता जा रहा है। पोल्यूशन हैज़ फोर टाइप्स, पोल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन, यानी हवा का जो पोल्यूशन, यानी जब हवा में अनवांटेड जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एंड वेन एवर जो जमीन है, जमीन पे हम गंदगी फैलाते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं चीज़ों को, उसको बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, पानी में जब गंदगी जाती है, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकला हुआ वेस्ट जो होता है, दैट गोज टू आर रिवर्स एंड अदर वाटर रिसोर्सेज, सो दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन इज साउंड पोल्यूशन, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगे रहते हैं, डीजे लगे रहते हैं, लोग बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, जिससे क्या हो रहा है, हमारा साउंड पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये होते हैं हमारे चार पोल्यूशन। ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कॉज मैनी डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी जितने भी प्रकार के हमारे पोल्यूशन हैं, ये सभी के सभी इंसानों में और जानवरों में क्या करते हैं, बीमारियाँ पैदा करते हैं। द रेट बाई विच पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड इन लास्ट फ्यू डिकेड्स हैज़ रेज्ड अ क्वेश्चन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन द फ्यूचर, यानी जिस रेज मतलब क्या होता है, बढ़ना, उगना, यानी एक तरीके से जिस प्रकार से उभर कर ये जो पोल्यूशन हमारे सामने आया है, तो एक इंसान के फ्यूचर में उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। एग्जिस्टेंस क्या होता है, अस्तित्व, यानी इंसान के अस्तित्व इन फ्यूचर, यानी इंसान के अस्तित्व के लिए लाइफ आने वाला जो फ्यूचर होगा उसके लिए क्या बन रहा है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है, प्रश्न चिन्ह बन रहा है, यानी हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसके आने वाले जो पीढ़ियाँ होंगी उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, किसका, पोल्यूशन की वजह से। द अफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, ठीक है, फैक्ट्री होती है बड़ी बड़ी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो हमारी क्रांति आई है, एक रेवोल्यूशन होता है क्रांति, क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया, हर जगह आपने देखा होगा फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। कैन बी सीन ऑन एनवायरमेंट, जो इसके इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, हमारा जो एनवायरमेंट है नष्ट होता जा रहा है। बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रीज हैव टेकन प्लेस ऑफ जंगल्स, जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, आपने देखा इमारतें बनती जा रही हैं, एंड इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं, इन्होंने किन की जगह छीन ली, हैव टेकन प्लेस ऑफ जंगल्स, इन्होंने जो जंगल्स की जगह होती थी, जहाँ पे फॉरेस्ट होते थे हमारे, वुड्स होते थे, उनकी जगह जंगलों को काट काट कर हमने क्या किया, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बना दी हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारे पेड़ कम हो गए और हमारा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स, स्मोक मतलब क्या होता है, धुआं, ठीक है, स्मोक एमिटेड, एमिटेड मतलब होता है निकलना या फिर उगलना, जो स्मोक निकल रहा है व्हीकल से, फैक्ट्रीज से, इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द पोल्यूशन, लगातार जो ये स्मोक निकलता जा रहा है वो पोल्यूशन को क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। एंड ड्यू टू दैट, और जिसकी वजह से, ड्यू टू दैट का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से, प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो कैन बी सीन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी आपको देखने को मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो विश्व जो ताप है, यानी पूरी जो वर्ल्ड है उसकी जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड में गर्मी बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारी वन संपदा सब वगैरह सब नष्ट होती जा रही हैं, समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल है, वो अप होता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ती जा रही है। आर मदर अर्थ इज पर्चिंग, आर मदर यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, अर्थ को मदर का रूप दिया है, एक माँ की तरह बोला है, जो हमारी धरती माता है, अर्थ इज पर्चिंग, क्या हो रही है, पर्च हो रही है, पर्च मतलब क्या होता है, झुलसना, बिल्कुल झुलस रही है, इतनी गर्मी पड़ती है आजकल, इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारी जो धरती है क्या हो रही है, झुलस रही है। वेस्ट वाटर ऑफ द फैक्ट्रीज इज लेट इनटू द रिवर्स, जो वेस्ट है किसका,
वेस्ट वाटर यानी खराब जो पानी होता है फैक्ट्रीज जो गंदा पानी निकलता है वो इज लेट इनटू रिवर्स रिवर्स के अंदर एंड सीज और समुंदर के अंदर भी डाल दिया जाता है जिससे कि और हमारा पानी खराब होता जा रहा है. दिस हैज स्पर्टेड वाटर पोल्यूशन जिसकी वजह से क्या हो गया है अचानक से हमारा जो वाटर पोल्यूशन है वो क्या होता गया है बढ़ता जा रहा है. टोटल वाटर इज नियर अबाउट 75% ऑन अर्थ धरती पर लगभग पूरा जो पानी है वो 75% के आसपास है बट पोर्टेबल वाटर इज इवन लेस देन 1%. जो पोर्टेबल वाटर है पोर्टेबल मतलब क्या होता है पीने योग्य जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 1% से भी कम है. यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स खेतों में जो रासायनिक तत्व डाले जाते हैं फसल को अच्छा करने के लिए उनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं ताकि फसल अच्छी ग्रो करे. फर्टिलाइजर हैव स्टार्टेड कन्वर्टिंग द एग्रीकल्चरल लैंड इनटू बैरन. बैरन मतलब क्या होता है बंजर यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया है जो हमारी जो उपजाऊ जमीन थी उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू द एग्रीकल्चरल लैंड इनटू बैरन तो एग्रीकल्चरल लैंड को किसमें बदलना शुरू कर दिया है इनटू बैरन बंजर बनाना शुरू कर दिया. यहाँ पर आप बैरन की जगह आप एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो दैट इज इनफर्टाइल. इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है अनुपजाऊ यानी अनुपजाऊ बना दिया है. पोल्यूशन इज डिटीरियोरेटिंग द कंडीशन ऑफ आर हेल्थ. डिटीरियोरेट इसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ की हालत ख़राब करना बिगाड़ देना उसको हम बोलते हैं डिटीरियोरेट. तो पोल्यूशन है वो क्या कर रहा है डिटीरियोरेटिंग यानी हालत ख़राब कर रहा है हमारी हालत को बिगाड़ता जा रहा है. किस चीज़ की द कंडीशन ऑफ आर हेल्थ हमारी हेल्थ जो स्वास्थ्य है उसको खराब करता जा रहा है क्या पोल्यूशन. डिजीज लाइक एग्जमा इसको अस्थमा नहीं बोलते इसको बोलते हैं एग्जमा. डिजीज लाइक एग्जमा बहुत सारे लोग देखा होगा ना अस्थमा कहते रहते हैं इट्स नॉट अस्थमा राइट इसको बोलते हैं एग्जमा. डिजीज लाइक एग्जमा आई एलर्जीज स्किन प्रॉब्लम्स ब्रोंचाइटिस एनीमिया एंड मैनी मोर कैन बी सीन इन पीपल दैट्स रूट कॉज इज इट्स पोल्यूशन. यानी आज के समय में बहुत सारी डिजीज देखी जा सकती है जैसे कि एग्जमा हो गया इचिंग इन आइज हो गया और रेस्पिरेटरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रोंकाइटिस हो गया तो ऐसे ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ अनिमिया वगैरह जो कि पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं वो आजकल देखी जा सकती हैं. एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग आर रिजल्ट्स ऑफ पोल्यूशन. आपने देखा होगा एसिड रेन होती है एसिड रेन बहुत ही खतरनाक होती है हमारी स्किन को भी प्रॉब्लम करती है हमारी फसलों को ख़राब कर देती है और जो हमारा ताजमहल है आपने देखो ना पीला पड़ जाता है वो क्यों पड़ता है एसिड रेन की वजह से यानी हवा में जो पोल्यूटेड जो तत्व होते हैं वो पानी के साथ रेन के साथ नीचे जब गिरते हैं तो हर एक चीज़ को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं. तो एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग आर रिजल्ट्स ऑफ पोल्यूशन ये किस चीज़ के रिजल्ट हैं पोल्यूशन के ही कारण हुए हैं ये भी. सी वाटर लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट अ स्ट्रेच. जो सी लेवल है समुद्र का जो लेवल है पानी का वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो पानी समुद्र में नदियों के जरिए समुद्र में पहुंच जाता है जिससे क्या हो रहा है सी लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है. एट अ स्ट्रेच एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या है लगातार. अगर आपको लग रहा है एट अ स्ट्रेच मुश्किल तो आप यूज़ कर सकते हो कंटिन्यूअसली ठीक है ना तो एट अ स्ट्रेच भी लिख सकते हो आप यहाँ पर कंटिन्यूअसली भी लिख सकते हो. ऑल्सो इंक्रीजिंग एट अ स्ट्रेच यानी लगातार समुद्र का जो पानी है वो उसका लेवल बढ़ता जा रहा है. वी ऑल मस्ट अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं वी ऑल मस्ट कम टुगेदर टू फाइट विद पोल्यूशन. हम सबको एक साथ होना पड़ेगा जो लास्ट का पैराग्राफ होता है हमें इसमें सजेशंस या फिर रेमेडीज यानी कुछ उपचार देने होते हैं ठीक है पोल्यूशन हम कैसे उससे निजात पा सकते हैं कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं. वी ऑल मस्ट कम टुगेदर हम सबको एक साथ आगे बढ़ना चाहिए टू फाइट विद पोल्यूशन पोल्यूशन के साथ लड़ने के लिए. फाइट की जगह आप यहाँ पे एक दूसरा अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो कॉम्बैट. हम तो कैसे बोलेंगे वी ऑल मस्ट कम टुगेदर टू कॉम्बैट पोल्यूशन. पोल्यूशन के साथ कॉम्बैट करने के लिए हमें सबको आगे आना चाहिए बिकॉज अर्थ इज़ नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्योंकि जो धरती है वो किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है कि एक इंसान की जिम्मेदारी होगी वो सबकी साझी प्रॉपर्टी है. इट इज़ द हाउस ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं जो जिंदा हैं इस धरती के ऊपर उन सभी का एक घर होता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन यानी हर एक की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेव द अर्थ इस धरती को बचाने के लिए. वी कैन स्टॉप पोल्यूशन बाई यूजिंग इको फ्रेंडली रिसोर्सेज यानी हम जो पोल्यूशन है उसे कैसे रोक सकते हैं इको फ्रेंडली रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इको फ्रेंडली रिसोर्सेज कैन यू टेल मी. इको फ्रेंडली रिसोर्सेज वो होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो पोल्यूशन को ना बढ़ाएं यानी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं यानी जैसे कि मान लो हम बाइक्स यूज़ करते हैं व्हीकल्स यूज़ करते हैं लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन तो नहीं करता जिससे क्या होगा हमारे एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होगा तो क्या हो गया इको फ्रेंडली हो गया. हम जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे इधर उधर जाने के लिए हम बाइक का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं. साइकिल का यूज़ करेंगे तो आसपास के काम भी हो जाएंगे
हमारा वर्कआउट भी होगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज होगी, फिट भी रहेंगे और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इनको बोलते हैं इको फ्रेंडली तरीके हम अपना सकते हैं। एंड सोलर पैनल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सोलर पैनल से क्या होगा, तो हम जो बिजली कंजप्शन होता है, जैसे वाटर से हम बिजली बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उससे बहुत पोल्यूशन होता है, पानी भी खराब होता है, ठीक है। तो हम सोलर पैनल्स का यूज़ करेंगे तो भी हमारा फायदा है। Reuse, reduce, recycle are the best measures to stop pollution. हमें तीन चीज़ों को अपनाना चाहिए, reuse, reduce, recycle। इनको थ्री आर्स भी कहा जाता है, थ्री आर, क्योंकि reuse आर से स्टार्ट हो रहा है, reduce आर से स्टार्ट हो रहा है, recycle आर से स्टार्ट हो रहा है। reuse मतलब किसी चीज़ का दोबारा से यूज़ करना, reduce किसी चीज़ को कम करना, recycle उसको फिर से पुनर्निर्मित करना। जैसे कि मान लो पॉलीथीन है, आपने एक पॉलीथीन यूज़ की जो खराब हो जाती है, तो उनको इधर उधर फेंकने के बजाय उसको फिर से ले जाकर उसी पॉलीथीन से फिर से एक नई पॉलीथीन बना लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिसाइकिल किया उसी चीज़ को, उसी चीज़ को जब इस्तेमाल करेंगे तो नई नई बनेंगी, ज़्यादा नई नई बनेंगी तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो हम ढंग से रिसाइकिल करेंगे चीज़ों को, तो जो इधर उधर वेस्ट पड़ा रहता है उनको उठाया, उन्हीं से हमने चीज़ें बनाई तो रिसाइकिल कर लिया, तो पोल्यूशन कम होगा। तो ये थी हमारी स्पीच, हमने स्पीच दी और लास्ट में आपको बोल देना है थैंक यू, ठीक है, क्योंकि हम स्पीच बोलते हैं ताकि हम लोगों को धन्यवाद आपने मेरी बातों को सुना, थैंक यू वेरी मच, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द स्पीच राइटिंग। और ऐसे अगर आप लिख के आते हो, थ्री और फोर पैराग्राफ्स में कोशिश करना डिवाइड करो, लास्ट के पैराग्राफ में आपको क्या करना है, सजेशंस, रेमेडीज, आपको उनको उपचारात्मक तरीके बताने हैं। पहले वाले में इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा बहुत, ठीक है, कि आप कौन हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे, जैसे पोल्यूशन है, किसे पोल्यूशन कहा जाता है, कैसे बढ़ता जा रहा है, उसके चार प्रकार होते हैं, फिर हमने बताया कि वो किस प्रकार प्रॉब्लम है और कैसे कैसे हमारे एनवायरमेंट को क्या करता जा रहा है, नष्ट करता जा रहा है, हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट। एंड इन द लास्ट पैराग्राफ वी टॉक्ड अबाउट द रेमेडीज दैट हाउ वी शुड स्टॉप द पोल्यूशन, राइट, हाउ कैन वी डिक्रीज द पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें बतानी होती है। सो इट इज़ द वे टू राइट अ स्पीच। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अगर आई है तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।